तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा होगा। तो यार ये एक फुल व्लॉग होगा शीश महल पटियाला के मेले का, और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे मेला कैसा है, और आप भी देखेंगे और क्या क्या चीज़ खास है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं रास्ते में, और ये रास्ता जाता है 22 नंबर फाटक। तो ये बहुत ही ज्यादा आइल्स इंस्टीट्यूट और गोपाल स्वीट्स। तो ये यहाँ का सबसे फेमस फवारा चौक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सीन है, और बहुत ही अच्छा मेमोरियल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आ चुकी है, अंदर पता नहीं क्या हाल होगा। तो भाई अंदर आके अभी से भीड़ होने लगी थी शुरू, और हमें पता लग गया था कि भाई अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आसपास में कितने ही लोग आ रहे हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा लोग एंट्री करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो एंट्रेंस के पास आकर आप सीन देख सकते थे मेले का कि कितने ही ज़्यादा भीड़, और जो काउंटर लाइन थी मेल और फीमेल्स, उसका तो भाई कुछ पता ही नहीं था। मतलब दोनों साइड से एंट्री हो रही थी, सभी साइड से एंट्री ले रहे थे, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और आप अंदर आके मेले का सीन देख सकते हैं कितना ही बढ़िया, और यहाँ पर एंट्री पे पूरे साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, पूरी ही अच्छी तरह से ये मेला मैनेज किया हुआ था। और आप देख सकते हैं कितने ही इंजॉय करते हुए लोग, और हज़ारों की भीड़ का ये मेला था। और हम लास्ट डे को गए थे, उस दिन मास्टर सलीम ने आना था, और बहुत ही अच्छा फंक्शन होना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ में लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना मेले का, ठीक है। और वहाँ पे स्टेज लगी हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा लोग इंतज़ार पहले ही कर रहे थे। तो नीचे का सीन आप देख सकते हैं कि लोग कैसे ही घूम रहे हैं और सामान ले रहे हैं, लेकिन भाई चीज़ों का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा था। तो मेले की सबसे बढ़िया डेकोरेशंस भाई। इसके बाद हम खाने की पर्ची कटवाई, और 100 रुपये में हमारी पर्ची कटी थी वड़ा पाव की, और पुतंदर लाइन में लग के वेट करते हुए वड़ा पाव का। और बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैंने कोशिश की वड़ा पाव लेने की, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और कुछ टाइम बाद मेरा नंबर लग ही गया। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरा नंबर लग गया था, तो इसके 5 मिनट बाद ही मुझे हमारा वड़ा पाव मिल गया, और टेस्ट में बेस्ट पुतंदर और वड़ा पाव। और आप लेफ़्ट साइड से इस मेले का नज़ारा देख सकते हैं, कितने ही लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग एंट्री हर घंटे कर रहे थे। और फाइनली मास्टर सलीम का जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था। बाद में हमने गेम्स खेली, रिंग वाली गेम थी, और मैंने 5 शॉट लगाए, पुतंदर ने 5 लगाए, लेकिन भाई आपको पता ही है कि इसमें कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि साइज़ पूरा पूरा होता है। तो ये बॉल्स वाली गेम खेली थी, नंबर मिलाओ और अपना गिफ्ट ले जाओ, और इस गेम की एंट्री थी 50 रुपये। और इसमें आप आर्ट्स देख सकते हैं, आर्ट्स की गैलरी थी, सूट की गैलरी थी। ये सबसे बढ़िया डेकोरेशंस घर की, इसका प्राइस 3-3 हज़ार था, और ये झूमर जो थे ये 500-500 के थे। और शाम का सीन मेले का बहुत ही ज़्यादा लाइट और अच्छी डेकोरेशन।
ये चप्पलें थी जो 500-500 की, और ये 2500-2500 के लैंप आपको इटली के मिल रहे थे, और बहुत ही अच्छी तरह से लोग उनसे बात कर रहे थे। तो ओवरऑल हमें मेला लगा बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया।